रोज की तरह आ गई हूँ मैं खेत में। डेली ब्लॉग खेत के ही होते हैं, खेत का ही काम करती हूँ तो ब्लॉग भी मेरे खेत के ही पड़ते हैं। तो आज आई हूँ मैं स्पेशली भट काटने। कल शाम को हो गया 30 रुपए किलो। अच्छा, आज हम मिर्च तोड़ने आए हैं। हमारे खेत में मिर्च बहुत हो रखी है, काफी मिर्च हो रही है इनके खेत में। जी जी, हम मिर्च तोड़ेगा फिर गर्म पानी देगा। जी जी, उसको लेना होगा तो कमेंट जरूर करना। चाचा के खेत में मिर्च बहुत हुई है। बस सबसे पहले सभी को आप मेरा प्यार, मैं दीपा जलाल, स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपा जलाल ब्लॉग्स में। तो मैंने इतने सारे अभी कपड़े धो दिए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो खेतों में तबाही मची होगी बारिश से, लगातार 4 दिन 4 रात बारिश हुई है। तो खेतों में सारा पानी पानी हुआ होगा। तो चलते हैं खेतों में, दिखाते हैं खेतों की कंडीशन क्या हो रही है हमारी। तो आज मेरी बकरियां भी घरी हैं, बुबू जी बकरी नहीं ले गई हैं। तो आज मेरी बकरियां घरी हैं क्योंकि कल बुबू जी की बकरी को बाघ ले गया, एक बड़ी वाली बकरी थी, 3 बकरी को बाघ ले गया बुबू जी के। एक एक महीने के बाद एक ले जा रहा, तो कल भी ले गया है। बुबू जी ने बोल दिया है मैं आप किसी की बकरी नहीं ले जाऊँगा। तो मेरी बकरियाँ फ़िलहाल घरी हैं और मैंने जाना है आप भट काटने दो पलटियार। तो उनके लिए फटाफट से रोटी और चाय बनाते हैं, फिर चलते हैं खेत में ही, दिखाते हैं कैसे भट हो रहे हैं हमारे वहाँ। तो मैं जाने लगी हूँ खेत में, झोला हो गया मेरा तैयार, झोले में क्या क्या ले जा रही हूँ खेत जाके दिखाऊंगी। तो चलते हैं खेत में। तो मैं आने लग गई हूँ खेत में, कंधे में लटकाया है मैंने झोला, बारिश की वजह से रास्ता साफ हुआ है आजकल। अम्मा जी के वहाँ पे आई हूँ, अम्मा जी की बकरी उन्होंने सारे बाहर वादी हुई हैं। ये है अम्मा जी की पूरी बकरियाँ, ये है गाय, तो यहाँ पे आ गया है पानी का गठेरा। को घर ले भी लगी करो यहाँ, तो दोस्तों एक गधेरा तो पार कर दिया है, अभी दूसरा गधेरा आ गया है। पूरे मैंने तो पहने हैं जूते, तो दूसरा गधेरा यह है, मैंने ऐसे ही पार जाना है, पाँव में पहने हैं मैंने जूते। तो फिलहाल दो गधेरे पार कर दिए हैं, पूरी पैजामा भीग गए, जूते भीग गए हैं। तो चलते हैं खेत की ओर, खेत में लगाए हैं मैंने दो पलटियार। तो ये है दोस्तों मेरे खेत में जाने वाला रास्ता, वैसे तो आम रास्ता ही है, तो यहाँ से ऐसा रास्ता है। कोई गिर गई थी मैं। तो मेरे वहाँ काट रहे हैं लोग भट, मेरे भट इन्होंने काट दिए हैं। तो यहाँ पूरे खेत में पानी पानी हुआ है, तालाब जैसा पानी पिलाई हूँ मैं। ये है आलू टमाटर की सब्जी, यहाँ पे रखी है मैंने रोटी, और यहाँ पे लाई हूँ दही, यहाँ पे है लहसुन वाला नमक। तो खाने वाले हैं बेचारे, इन्होंने भट काटे हैं अभी तक, और थर्मस में रखा हुआ है चाय, चाय तो बाद में पियेंगे, फिलहाल खाते हैं खाना। खाना तो हमारा हो गया है, उसके साथ हमने चाय पी ली है, एक बार के लिए चाय भी और रखी है। तो थोड़ा उधर खेत बचा है, पहले उसको काट लेते हैं, फिर इधर आगे है गहत, तो फिर है इधर गहत, तो इनको भी अभी निकालना है, सड़ गए हैं पूरे। तो चलिए दिखाते हैं हमारे वहाँ भट कैसे काटते हैं और कैसे भट हुए हैं। डाल दे अलग खुल के मैं साफ कर लूँ। तो ये लोग काट रहे हैं भट, पानी की आवाज़ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पानी बहुत ही ज़्यादा पानी हुआ है, पानी की शोर से सुनाई कुछ दे नहीं रहा है। तो मैं भी काटती हूँ इनके साथ भट, और अभी भी बादल भी लगने लगे हैं, कहीं कहीं पर बादल लगे हुए हैं,
तो अब चलते हैं दूसरे खेत में। पलटा तो मेरे चले गए हैं, आज ये मेरा आए हैं तो कल मैं निकाल आऊँगी। तो ये चले गए हैं नीचे वाले खेत में, तो मैं भी चलती हूँ नीचे वाले खेत में। और तो फिर से आ गए हम गहत वाले खेत में। इन्होंने इतने मेरे पानी भरने तक इतना गहत निकाल दिए हैं, और गहत इस बार बारिश से सारे हमारे सड़ गए हैं, कौमन हो गए हैं। तो ये कह रहे हैं इस बार खाली हो गया, पर के साल मैंने बहुत पैसे के गहत बेचे, बल इस बार किसान खाली मर दाल खाने के लिए बीज के लिए नहीं होता है। तो इस बार फसल हमारी कुल मिला के चौपट है। तो ऐसे काटते हैं हमारे वहाँ गहत। तो हमने इस खेत के भी पूरे गहत निकाल दिए हैं। गहत तो इस बार हुए नहीं, बहुत ही बेकार गहत। तो इस बार के गहत ये हैं खाली, कुछ भी नहीं है इसमें, खाली झाड़ है। तो पूरे खेत के हमने अभी निकाल दिए हैं। तो शाम के 5 बज गए हैं, फिर से हमारा टी टाइम हो गया है। तो हम फिर पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं, देखते हैं। तो पीने का टाइम हो गया है चाय, 3 ही गिलास लाए हैं। बसंती को शोर पड़े हैं, गहत में दाने हुए हैं नहीं हुए करके। तो ये कह रही है बोल दो YouTube में कि इस बार गहत के दाने नहीं हुए हैं, जो मांगने वाले भी होंगे तो नहीं आएंगे पर। तो पी लेते हैं मिश्री वाली चाय, और ऊपर से हमारा गांव दिख रहा है सामने में, यह है हमारा धनियाकोट, हमारा गांव दिख रहा है थोड़ा सा। और इस साइड है जंगल, नीचे है हमारे खेत, ये हैं हम, ये है हमारी चाय। तो हमने लगा दिए गहत के गट्टे, इसको लगाते हैं हम मिन में, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं तो यहाँ दिवाली वाल नहीं है। तो 2 गट्टे ये लगा दिए हमने, एक मेरे लिए, एक बसंती के लिए, और एक गट्टा वहाँ रख रहे हैं। खेत में और जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और काटा है हमने घास का सीना अपनी चिन्नू मुन्नू के लिए। तो ये है घास का सीना। तो दोस्तों हमने आधे रास्ते में अपने अपने गट्ठे हमने रख दिए हैं, बिछा दिया है। तो हम इस साइड चलते हैं, दूसरा खेत है, थोड़ा टाइम बचा है तो टाइम का सदुपयोग करते। तो मुड़ी खेत मजूर में, तो काफ़ी बड़ा खेत है, ये निकालना है, कितना निकालते हैं देखते हैं। तो हम जाने लग गए हैं गहत का गट्टा लेके। अंधेरा हो गया है, आने वाला हो रखा है, सोच लगे हाँ सांस नहीं फूलेगा तो क्या, हवा आएगी। यार ये है खाली, बाय। तो खेत से तो मैं आ गई थी, खेत रास्ते में ही बहुत अंधेरा हो गया था। गहत लाई थी, गहत डाल दिए थे छत में, खा नहीं पाई क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था। तो उसके बाद मैंने बकरियों को घास वास दी। खेत से आके जो चाय मिलती है ना, उससे पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है, बहुत हल्का महसूस होता है। तो मैं पी रही हूँ भी चाय, और यहीं पे लाई हूँ मैं मिर्च। मिर्च के काटने हैं मैंने मुने, जो मिर्च लाई थी तो इसके काटने हैं मैंने, ये मुन अलग करने हैं सारे। तो पहले चाय पी लेते हैं। तो रात के 8 बज गए हैं, इसी के साथ वीडियो भी इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।